तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक या फिर सीक्रेट लोकेशन जिनको आप बाइक के साथ कर सकते हो। भाई देखो इसके ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि इस ट्रिक को करने का तरीका सेम है, लेकिन भाई काफी बंदों को ये नहीं पता है कि इसको कौन कौन से जगह पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी और लोकेशन बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इन ट्रिक को कर सकते हो और अपने लिए आप सीक्रेट लोकेशन बना पाओगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि ऐसी कमाल कमाल की वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहली ट्रिक है उसको करने के लिए आपको आ जाना है शेल्टर पे। तो भाई देखो शेल्टर पे किसी भी दरवाजे के पास आ जाओ जहाँ पे आप शेल्टर के अंदर घुसते हो, तो बस वहाँ पे बाइक लेके आ जाओ और भाई जो बाइक है उसको इस तरीके से यहाँ पे लेके जाओ और जैसे आप बाइक से नीचे गिर जाओ तो बस आपको यहाँ पे ड्राइव कर लेना है और गाइस आप यहाँ पे एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर आ जाओगे। और भाई देखो यहाँ पे आने के बाद आप अपनी रैंक पुश भी कर सकते हो और अगर आपको यहाँ से एनिमी को डैमेज देना हो तो अपनी गन की नली को यहाँ पे बाहर निकाल लेना है और गाइस आप यहाँ पे बंदों को डैमेज भी दे पाओगे। और भाई यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि भाई आपको यहाँ पे जो साइड में जगह दिख रही है आपको इस साइड में नहीं जाना है। अगर आप इस साइड में चले गए तो भाई आप यहाँ पे फंस सकते हो, यानी कि यहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो भाई देखो आपको इस साइड में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ पे बैठे रहना है। और अगर आपको अपने टीममेट को भी इसके अंदर लाना हो तो आप पिग्गी बैग का यूज करके उसको भी अंदर लेके आ सकते हो। अगर आपको इससे बाहर निकलना हो तो बस आपको यहाँ पे पीछे की साइड में कूद जाना है और आप इससे बाहर भी काफी आसानी से आ जाओगे। और सेकंड ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है मिलिट्री बेस में। तो भाई मिलिट्री बेस में आपको यहाँ पे इस साइड में आ जाना है और भाई यहाँ पे भी एक बाइक को लेके आ जाओ और जो बाइक है उसको इस तरीके से यहाँ पे लेके चले जाओ और जैसे बाइक से नीचे गिर जाते हो तो भाई आपको यहाँ पे भी ड्राइव कर लेना है और भाई आप यहाँ पे भी एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर आ जाओगे। और भाई देखो यहाँ पे जैसे आप आ जाते हो और भाई इस वाले जगह पे भी आप अपनी रैंक पुश कर सकते हो। और अगर आपको अपने टीममेट को भी इसके अंदर लाना हो तो भाई आपको पिग्गी बैग का यूज़ करना है, यानी कि उनको नॉक करने के बाद आपको पिग्गी बैग का यूज़ करना है, तो भाई आप उनको भी इसके अंदर लेके आ सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपकी पूरी पूरी स्क्वाड आ सकती है। और अगर आपको एनिमी को डैमेज देना हो तो आपको अपनी गन की नली को बाहर निकालना है और आप एनिमी को डैमेज भी दे पाओगे। और अगर आपको इससे बाहर निकलना हो तो या तो पीछे की साइड कूद जाओ या फिर आप यहाँ पे आगे से भी इससे बाहर निकल सकते हो या फिर आप बाइक का यूज करके भी इससे बाहर निकल पाओगे, यानी कि आप इससे बाहर भी काफ़ी आसानी से निकल सकते हो। और थर्ड ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है इस वाले घर के पास। अब भाई देखो ये जो घर है आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं इस वाले ट्रिक को कर रहा हूँ भाई यहाँ पे रूइंस के पास। तो गाइस आप इस वाले जगह पे भी आ सकते हो, अगर इस साइड में जोन बन जाता है तो भाई आप यहाँ पे इस वाले ट्रिक को यहाँ पे कर पाओगे। तो बस आपको क्या करना है, जो बाइक है उसको इस घर के अंदर लेके चले जाओ और सामने वाले दीवार में आपको बाइक को ठोकना है और जैसे बाइक से नीचे गिर जाओ तो गाइस आपको यहाँ पे भी ड्राइव कर लेना है और भाई यहाँ पे भी आप एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर आ जाओगे। और भाई इसके अंदर आने के बाद भी आपको कोई भी बंदा कितना कुछ कर ले, यानी कि डैमेज वगैरह तो गाइस आपको नहीं दे सकता है। और यहाँ पे अपनी रैंक बुश वगैरह कर सकते हो अगर इस साइड में जोन बन जाता है। अगर आपको इससे बाहर निकलना हो तो आप इस तरीके से इससे बाहर भी काफ़ी आसानी से आ सकते हो। और ट्रिक नंबर 4 के लिए आपको आ जाना है मिल्टा पावर में। तो भाई आपको मिल्टा पावर में यहाँ पे जो टैंक देखने को मिलते हैं आप यहाँ पे इनके अंदर भी जा सकते हो। तो बस आपको उसी तरीके से यहाँ पे बाइक को लेकर चले जाना है गाइस, जैसे आप बाइक से नीचे गिर जाओ तो आपको इसके अंदर भी ड्राइव कर लेना है भाई, आप यहाँ पे इसके अंदर भी आ जाओगे। यानी कि अगर आप एक बार में ड्राइव से नहीं आ पाओ तो आपको दोबारा से ड्राइव करना है तो गाइस आप यहाँ पे इसके अंदर आ सकते हो। इसके अंदर आने के बाद भी आप सारे काम कर सकते हो, यानी कि अपनी रैंक पुश वगैरह गाइस आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। और अगर यहाँ पे भी आपको एनिमी को डैमेज देना हो तो गाइस आपको अपनी गन की नली को बाहर निकाल लेना है और आप एनिमी को डैमेज भी काफ़ी आसानी से दे पाओगे। और इसके अंदर जो आपकी बाइक है वो भी काफ़ी बार आ जाती है, तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक को भी आप सेफ रख सकते हो और आप यहाँ से बाइक लेके भी निकल पाओगे। तो भाई इस वाले ट्रिक का भी आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ट्रिक नंबर 5 के लिए आ जाना है आपको यहाँ पे मिलिट्री बेस ब्रिज के पास है जो पेट्रोल पंप है गाइस, आपको इसके पीछे आ जाना है और यहाँ पे आपको जो कंटेनर देखने को मिलता है आप यहाँ पे इसके अंदर भी जा सकते हो। बस आपको उसी तरीके से यहाँ पे बाइक को लेके चले जाना है और जैसे बाइक से नीचे गिर जाओ तो आपको यहाँ पे ड्राइव करना है, तो गाइस आप यहाँ पे इसके अंदर भी आ जाओगे। और भाई देखो इसके अंदर आने के बाद आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि अगर आपको आगे पीछे जाना हो तो भाई आपको यहाँ पे जॉयस्टिक को आगे की ओर करके रखना पड़ेगा और साथ साथ आपको यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, तो भाई तभी आप यहाँ पे आगे पीछे मूवमेंट कर पाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मूवमेंट भी कर सकते हो, लेकिन वैसे आप यहाँ पे अपनी रैंक पुश के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो भाई ये वाली ट्रिक भी आपको काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मैं चलता हूँ मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।